आरक्षण के मामले में सरकार का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हाईकोर्ट ने किया खारिज। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय चुनाव के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनाव को बिना ओबीसी आरक्षण के ही करने के आदेश दिए हैं। यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया। नए साल से पूर्व देर रात चलाया गया चेकिंग अभियान। ब्रेथ एनालाइजर मशीन से चेक किए गए लोग शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को लगाई फटकार। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान। डीसीपी पश्चिम ने फोर्स के साथ देर रात चलाया चेकिंग अभियान। सपा राजभर का टूटा गठबंधन, पड़ी फूट। राजभर के खिलाफ सपा दफ्तर के बाहर होर्डिंग। राजभर पर सपा कार्यालय आने पर लगा प्रतिबंध। राजभर पर प्रतिबंध की होर्डिंग लगाई गई। समाजवादी पार्टी के युवा नेता ने लगाई होर्डिंग। राजभर जी का सपा कार्यालय आना प्रतिबंधित। कानपुर बीसी विनय पाठक एसटीएफ के सामने पेश होने के बजाय पहुंचे मेडिकल। विनय पाठक को एसटीएफ के सामने पेश करने के बजाय बीमारी का बहाना बनाकर भेजा मेडिकल। विनय पाठक के 3 करीबी अजय मिश्रा, अजय जैन और संतोष हो चुके हैं गिरफ्तार। एसटीएफ की ऑफिशियल मेल पर मेल भेजकर विनय पाठक ने मेडिकल जाने की सूचना दी। खुद को बेहद ही बीमार बता रहे हैं विनय पाठक। एसटीएफ को शक है कि विनय पाठक भाग सकते हैं विदेश। रेड कॉर्नर नोटिस भेजने के साथ ही पासपोर्ट कैंसिलेशन के लिए एसटीएफ डाल सकती है एप्लीकेशन। लखनऊ में साहिबजादा पार्क के निर्माण कार्य का हुआ शुभारंभ। वीर बालक शहीदी दिवस के अवसर पर महापौर संयुक्ता भाटिया द्वारा बनवाए जा रहे साहिबजादा पार्क मेयर संयुक्ता भाटिया ने स्वयं कार सेवा कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर साहिबजादा पार्क बनवाने हेतु गुरुद्वारा और सिख समाज ने महापौर संयुक्ता भाटिया को सम्मानित किया। चीन से लौटे संक्रमित के संपर्क में आने वाले 37 लोगों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। चीन से लौटे कोविड संक्रमित की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आना भी बाकी है। 37 लोगों के नमूने आगरा की एसएनएमसी माइक्रोबायोलॉजी लैब भेजे गए थे। उन सब की रिपोर्ट नेगेटिव आई। संपर्क में आए पत्नी और बेटे की भी रिपोर्ट नेगेटिव। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर आगरा के स्वास्थ्य विभाग ने ली राहत की सांस। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने ली दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे दिल्ली। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद भी मौजूद रहे। आगामी निकाय चुनाव एवं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर की चर्चा। ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब मानी जाएंगी जनरल। हाईकोर्ट यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आया फैसला। हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा दिए गए निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को किया रद्द। ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने चुनाव तत्काल कराने के भी दिए निर्देश। ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक डायरेक्टेड कमीशन बनाया जाए, तभी दिया जाए ओबीसी आरक्षण। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद आया सरकार का बयान। निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के उपरांत उत्तर प्रदेश सरकार का भी आया मंतव्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित करेगी ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। तदुपरांत ही निकाय चुनाव होंगे। जरूरत पड़ी तो सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील की जाएगी। सपा मुखिया ने नगर निकाय में ओबीसी आरक्षण के फैसले को लेकर किया ट्वीट। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट लखनऊ बेंच द्वारा दिए गए फैसले को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। उन्होंने कहा, अभी तक तो सरकार यादव विरोधी थी, अब ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी ओबीसी वर्ग का कुर्मी लोहार बनिया सभी का विरोध कर रही है। सभी ये जान ले, भाजपा आरक्षण विरोधी है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने फिर दिया विवादित बयान। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बताए। भरत खुर्शीद ने कहा, भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। कभी कभी जब राम जी नहीं पहुंच पाते तो भरत खड़ाऊ लेकर जगह जगह जाते हैं। ऐसे ही हम यूपी में खड़ाऊ लेकर आए हैं। अब खड़ाऊ आ गई है तो राम जी भी आएंगे। राहुल गांधी एक योगी की तपस्या की तरह अपने मिशन पर फोकस कर रहे हैं। राहुल गांधी एक सुपर ह्यूमन है, जबकि हम ठंड में छिटोर रहे हैं और जैकेट पहन रहे हैं।
वे अपनी भारत जोड़ो यात्रा के लिए हाफ टी शर्ट में बाहर जा रहे हैं। वे एक योगी की तरह हैं जो अपनी तपस्या पूरे ध्यान से कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। सीबीआई द्वारा उनकी जमानत पर रोक लगाने और इसकी डेट बढ़ाने के लिए जो याचिका दायर की थी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने वह ठुकरा दी है। ऐसे में अनिल देशमुख कल जेल से रिहा हो सकते हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को 12 दिसंबर के अपने फैसले में जमानत दे दी थी। जमानत पर रोक लगाने के लिए सीबीआई ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने फिर जमानत को अगली सुनवाई तक रोक दिया था। अब इसी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। एलजी की अनुमति के बगैर की गई नियुक्ति व पदोन्नति अवैध, दिल्ली हाईकोर्ट। उपराज्यपाल की अनुमति के बगैर दिल्ली विधानसभा स्पीकर द्वारा की गई नियुक्ति व पदोन्नति को दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध और अनियमितताओं से परिपूर्ण करार दिया है। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि विधानसभा में स्पीकर या किसी अन्य प्राधिकरण के पास कोई पद सृजित करने या सचिव के पद सहित किसी भी पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय सिविल सेवा के लिए सभी नियुक्तियों के नियुक्ति की शक्तियां उपराज्यपाल के पास हैं। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र की संदिग्ध मौत पर गरमाया मामला। मृतक के पिता कड़ाके की ठंड में रात भर धरने पर बैठे हैं। पिता ने विधायक मनीष असीजा पर लगाए गंभीर आरोप। विधायक मनीष असीजा द्वारा दिखाई गई सिंपैथी। फिरोजाबाद विधायक मनीष असीजा आखिर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल संगीता अनेजा की कर रहे हैं तरफदारी। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल और नगर विधायक में क्या है कनेक्शन? विधायक मनीष असीजा आखिर क्यों नहीं होने दे रहे हैं संगीता अनेजा पर कार्रवाई? नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी आखिर नामजदों के ऊपर क्यों नहीं हो पा रही है कार्रवाई? नामजद आरोपी कर रहे हैं बेखौफ तरीके से नौकरी। क्या मृतक एमबीबीएस छात्र शैलेंद्र शंखवार को मिल पाएगा न्याय या फिर मृतक के परिवारजन इस कड़ाके की ठंड में करते रहेंगे प्रदर्शन? आरक्षण विहीन निकाय चुनाव के लिए भाजपा जिम्मेदार, अनिल दुबे। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने ओबीसी आरक्षण खत्म करने के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा सरकार को आरक्षण खत्म करने के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साजिश के तहत माननीय उच्च न्यायालय में सही तथ्य जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए, जिससे कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ों को आरक्षण से वंचित किया जा सके। प्रदेश सरकार ने यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का अनुपालन करते हुए ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित किया होता तो ओबीसी समाज के साथ न्याय होता। उन्होंने कहा कि प्रदेश का ओबीसी समाज भाजपा को कभी माफ नहीं करेगा। चीन से मुकाबले के लिए ताइवान ने अनिवार्य सैन्य सेवा को बढ़ाकर एक साल किया। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने अनिवार्य सैन्य सेवा को 4 महीने से बढ़ाकर 1 साल करने की घोषणा की है। ताइवान ने यह फैसला देश पर चीन से बढ़ते खतरे के मद्देनजर लिया है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन घोषणा करते हुए कहा कि ताइवान को चीन से बढ़ते खतरे के लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। कोरोना संकट से जूझ रहा चीन 8 जनवरी से सील खोलेगा सभी बॉर्डर। चीन ने कोरोना सुनामी के बीच एक ऐसा फैसला लिया है जिससे न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरी दुनिया में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। दरअसल कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए चीन ने अपने बॉर्डर सील करने शुरू किए थे, लेकिन अब वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने एक ऐसा फैसला लेते हुए 8 जनवरी से सभी बॉर्डर खोलने की बात कही है। बर्फीले तूफान में फंसी महिला की बंद कार में हुई मौत। अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक खबर के मुताबिक एक महिला की बर्फीले तूफान में फंसने से कार के अंदर ही मौत हो गई। दरअसल महिला कार में इंतजार कर रही थी और अपने काम से घर वापस लौटने के लिए तैयार थी। इसी दौरान बर्फीले तूफान से टकरा गई और कार में ही फंस गई। महिला की पहचान 22 वर्षीय एंडल टेलर के रूप में की गई है। वह 18 घंटे कार में बंद रही जिससे उसकी मौत हो गई। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को